हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची कैसे हैं आप लोग आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक होम रेमेडी जो कि बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है ऑन दी ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑफ आई एंड आईब्रोज बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी किसी की जो आईब्रोज एंड आई की ग्रोथ होती है वो जेनेटिकली ही कम होती है एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है कभी कभी बाल झड़ने लगते हैं अपनी आईब्रोज के या फिर आई के तो उनको काला घना और मोटा बनाने के लिए मैं एक होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें चाहिए कैसर ऑयल यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक कैसर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ सेकेंड वी नीड अ पेट्रोलियम जेली थर्डली हमें चाहिए एक कैप्सूल ऑफ विटामिन ई इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक टीस्पून कैसर ऑयल लेंगे कैसर ऑयल बहुत अच्छा होता है फॉर हेयर ग्रोथ ये अच्छा खासा प्रिजर्व भी हो जाता है बट आपको बहुत ज़्यादा एक साथ बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है जब फिनिश हो जाए तब बनाइए और वैसे भी ये बहुत टाइम तक चल जाएगा जितना आप बना रहे हो इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ़ वैसलिन पेट्रोलियम जेली और फिर इसमें ऐड करेंगे दो चार बूंद विटामिन ई के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब आप इसको किसी भी कंटेनर में सिक्योर करके रख सकते हैं इसको अप्लाई करने के लिए ये हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है ये ऐसे ही गाढ़ा रहेगा क्योंकि इसमें बैस्न मिली हुई है मेरे पास ये ऐसी एक मस्कारा की एमपट्टी बॉटल है आप चाहें तो मस्कारा के बॉटल भी एमपट्टी कर सकते हैं या तो फिर ये बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं इस तरह के एमपटी बॉक्सेस एमपट्टी बॉटल की मिलती हैं आप उसको भी बाय कर सकते हैं और इसमें भी अपना जो प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बनाया है रेमेडी वो आप इसमें फ़िल कर सकते हैं और नहीं तो अगर कुछ भी ना हो तो जो स्पूली होती है स्पूली ब्रश उसकी हेल्प से आप किसी भी कंटेनर में इसको फ़िल कर लीजिए इस पूरे प्रोडक्ट को किसी भी कंटेनर में आप फिल कर लीजिए छोटे या बड़े और एक स्पूली की हेल्प से मतलब इस तरह की स्पूली होती है उसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट लेना है थोड़ा थोड़ा करके और उसके बाद अप्लाई कर लेना है बट या आपको रात के टाइम में अप्लाई करना है डे टाइम में मत अप्लाई करिएगा बिफ़ोर गोइंग बेड आप अप्लाई करिएगा और इसको हल्का हल्का आप चाहें तो इसी से ही म, इस फूली से ही मसाज कर लीजिए या फिर अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी आप मसाज कर लें मसाज से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और अगर जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी ही आपकी वहाँ की किसी भी चीज़ की ग्रोथ होएगी एंड देन अपने आई पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है तो होपफुली आपको ये मेरी होम रेमेडी पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो भर भर के इसको लाइक करें इस पर कमेंट करें और इसे और लोगों को भी फॉरवर्ड करें जिसकी भी इसको आवश्यकता है और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करें एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दें तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में होपफुली नेक्स्ट रेमेडी के साथ या फिर कोई मेकअप लुक के साथ बाय बाय टेक केयर सी यू इन मई नेक्स्ट वीडियो